एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन। हमारे पास ये गिवन है, तो हमें फाइंड करना है एक्स टू द पावर 29 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 89 की वैल्यू। कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। तो हमारे पास गिवन है x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन। हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x एलसीएम लेने के बाद x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन। x जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू x बचेगा। x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई होके आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें एक्स प्लस वन का, मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन। जीरो से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो बचेगा फाइनल आंसर। एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, अगर हम इसको कंपेयर करें ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसके बराबर होता है? ये आइडेंटिटी होती है हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो हम x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स की जगह लिख सकते हैं x क्यूब प्लस वन टू द पावर होल क्यूब इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास यहाँ से x क्यूब इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। x क्यूब की वैल्यू हमारे पास माइनस वन के बराबर हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, x टू द पावर 29 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 89। अब एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास माइनस वन है, तो हम एक्स टू पावर 29 को भी एक्स क्यूब के फॉर्म में लिख लेंगे। एक्स क्यूब के फॉर्म में लिखने के लिए हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हम एक्स का मल्टीप्लाई और एक्स का डिवाइड करेंगे। x का मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x टू द पावर 30, पावर ऐड हो जाती है अगर बेस सेम होता है, अपॉन x प्लस वन x अपॉन x टू पावर 90। अब हम लिख सकते हैं x की पावर 30 को x की पावर 3 होल पावर 10 अपॉन x प्लस x अपॉन x टू द पावर 3 होल पावर 30। अब x की पावर 3 की वैल्यू हम निकाल रखे हैं, x क्यूब इक्वल टू है माइनस वन, हम वैल्यू पुट कर दें तो x क्यूब की जगह हम माइनस वन पुट करेंगे, तो माइनस वन टू द पावर 10 अपॉन x प्लस x अपॉन माइनस वन टू द पावर 30। अब ये माइनस वन टू द पावर 10 है, पॉजिटिव है, तो माइनस वन की वैल्यू 1 रहेगी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस x अपॉन ये माइनस वन टू द पावर पॉजिटिव है 30 है, तो ये भी 1 रहेगा। तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन x प्लस x। तो ये हमारे पास गिवन था 1 अपॉन x, x प्लस x की वैल्यू 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।